के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आई थैंक द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब फॉर स्पीकिंग अबाउट बलूचिस्तान। जन तकों के लिए राह का एजेंट बनके, हिंदुस्तान का एजेंट बनके यहाँ खून की नदियां बहाई है। मोदी के थोड़े बहुत यारे इंशाल्लाह इनको कोने कोने में इनके दिलों से निकाल के इनको मारेंगे और बलूचिस्तान में अमन पैदा करेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी हरकत की, एक ऐसी अनहोनी हरकत की, बड़ी अनएक्सपेक्टेड किस्म की हरकत की जिसकी तवक्को नहीं थी। असर हाज़र की रवायात ये हैं कि ममालिक दूसरे ममालिक में मुदाखलत भी करते हैं, वहाँ पर बगावतें लाने की कोशिश करते हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर तहरीकें चलाई जाती हैं। और वहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि बरदर मुस्लिम मुल्क तुर्की में वज़ीर आज़म अर्दोगान की, सदर अर्दोगान जो हैं उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मगरबी ममालिक ने वहाँ की फ़ौज के एक धड़े को इस्तेमाल किया। ये तमाम चीज़ें की जाती हैं, लेकिन कोई मुल्क अपने मुँह से अपने सरकारी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर ऐसी बात नहीं करता जिससे ये बात साबित हो जाए कि जो कुछ दूसरे मुल्क में हो रहा है, करवाया जा रहा है, उसके पीछे हम हैं। लेकिन हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अजूबे रोज़गार हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के यौम आज़ादी के दिन 15 अगस्त को खड़े होकर तमाम दुनिया के सामने बुलंद बांग तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का, गिलगित का, बल्कि बलूचिस्तान का उन्होंने इस तरह से जिक्र किया जिससे पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि हिंदुस्तान जो सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बलूचिस्तान में, रबा सदी की गुज़िश्ता 20-25 बरस से हिंदुस्तान की हुकूमत, वहाँ की एजेंसीज, अफगानिस्तान की एजेंसी NDS के मदद से, हिंदुस्तान की एजेंसी रॉ जिस तरह बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से वहाँ एसेट्स क्रिएट किए गए हैं, जिस तरह से वहाँ मिलिट्री ग्रुप्स को इस्तेमाल किया गया है, उन तमाम चीज़ों के बारे में जो शकूक थे, जो सवालात थे, जो तमाम एक कहानी हमारे जहनों में थी जो हम पूरी दुनिया को बताना चाह रहे थे, जिसको खुद हमारे यहाँ के जो लिबरल्स हैं, बहुत से हमारे सियासतदान हैं जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, वो कन्विंस नहीं होते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज वो साबित कर दिया, उन्होंने उनको कन्विंस कर दिया पूरी दुनिया को कि हमने बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नरेंद्र मोदी साहब ने जो कुछ कहा उसका एक बैकग्राउंड भी है इस स्टेटमेंट में जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम बलोच ग्रुप्स ने, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया है क्योंकि उन्होंने 12 अगस्त को कश्मीर पे एक होने वाली मीटिंग में, और कश्मीर में जो दुख है इस वक्त नरेंद्र मोदी को उसका तो हमें पूरी तरह से एहसास है, तो कश्मीर की एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान में कश्मीर में मुदाखलत बंद नहीं करेगा तो फिर हम पाकिस्तान के जो मजालिम हैं बलूचिस्तान में उसे हम एक्सपोज कर देंगे। और फिर उसके बाद उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं 15 अगस्त को जिन अल्फाज में उसे कर रहे हैं वो मैं आपको सुना दूँ। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। नाज़रीन नरेंद्र मोदी के तो दावे जो है वो आपने, बुलंदबाज दावे तो आपने सुने। अब बरहमदाग बुक्ती जो स्विट्जरलैंड जैसी महंगी जगह में रह रहे हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल जहनों में आता है कि वो इतनी महंगी जगह में पुरतईश जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसे कौन फंड कर रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है, जिसके बारे में कोई शकूक नहीं है कि कौन फाइनेंस कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी का शुक्रिया इन अल्फाज में अदा करते हैं। ये खुद एक इंटरव्यू है जो उन्होंने रिकॉर्ड किया और पूरे हिंदुस्तान के टेलीविजन चैनल्स को उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। क्या वो शुक्रिया अदा करते हैं, ज़रा देखें। आई थैंक द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब फॉर स्पीकिंग अबाउट बलूचिस्तान प्रॉब्लम। I thank Prime Minister Modi Sahib on the behalf of whole Baloch nation, and we hope that the Indian government, Indian media, and
whole Indian nation will not only raise their voices for Baloch nation, but also strive to help practically the Baloch independence movement. Nazim, Barhamdad Mufti mehaz Narendra Modi ka, Hindustan ke Wazir Azam ka shukriya hi nahi ada karte, balki wo Amitabh Bachchan ko ye daawat de rahe hain, unse request kar rahe hain, iltaja kar rahe hain ki wo Nawab Akbar Mufti jo hain, unki jo halakat hai jin circumstances mein hui hai, और एक इंसान तवक्को करता था कि जिन सर्कमस्टेंसेस में नवाब अकबर खान बुख्ती की हलाकत हुई है, बलूचिस्तान की तारीख जितनी खून चुका है, जितनी खून की होली वहाँ लिखी गई है, जितना इंसानियत वहाँ दुख और करब से गुजरी है, तो शायद बरहमदाग बुख्ती उसे एक उस संजीदगी से देखते होंगे, सीरियसनेस से देखते होंगे। लेकिन वो अमिताभ से और शाहरुख से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आके उनके दादा की ज़िंदगी के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत सी फिल्म बनाए। आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन साहब, and also want to request both of them that please make a movie on Balochistan, because Mr. Amitabh Bachchan, sir, you can do the role of my grandfather very well, and I hope you both will not disappoint us. Nazini, ye mumkin hai ki Barhamdag Mufti jo appeal Amitabh Bachchan se ya Shahrukh se kar rahe hain ye unke apne zehen ki ikhtira na ho, kyunki hum khoob jante hain कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड और हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, रॉ और आईबी, उसके दरमियान बड़े गहरे रवाबत हैं, बड़ा क्लोज एक वर्किंग रिलेशनशिप और कोऑर्डिनेशन है। ताहम बलूचिस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं जनाब सरफराज मुफ्ती साहब, उन्होंने बरहमदाग के इन बातों का इस तरह से जवाब दिया। मोदी साहब, जिसको मैं कभी उसको साहब नहीं कहूँगा, आज कह दो सारे जो मोदी का यार है, किसी धक्के वक्के की जरूरत नहीं है। अब वो सिर्फ रह गया फेसबुक पे, आज चले मेरे साथ, जाके देख लो डेरा मुफ्ती में क्या हालत है उसकी। आज डेरा मुफ्ती में उसका कोई नाम लेना बाकी नहीं है। नाज़िम, बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर ने ये नारा तो लगवा दिया है कि जो मोदी का यार है वो कौम का गद्दार है, लेकिन हम खूब जानते हैं कि इस वक्त कोई महज बरहमदाग मुफ्ती नहीं है जो मोदी का यार है, बल्कि पाकिस्तान में तो बहुत से यार हैं नरेंद्र मोदी के। बहरहाल, इस मौके पे ये बात बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हिंदुस्तान बलूचिस्तान के ऊपर सियासत करने की कोशिश कर रहा है, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, कि हुकूमत पाकिस्तान रॉ का एजेंट कमांडर कुलभाषण, उसके जो इंकशाफात थे और उसके इंकशाफात के नतीजे में, क्योंकि उसको कुछ भी वो कह सकता है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन उसके इंकशाफात की बुनियाद पर जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं और उसको कोऑपरेट करते हुए जो अरेस्ट हुए हैं, उसकी तमाम तर तफसीलात हुकूमत पाकिस्तान को दुनिया के सामने स्ट्रक्चर तरीके से लानी चाहिए। ताजुब है कि अभी तक हुकूमत पाकिस्तान इन तफसीलात को खुल खुला के दुनिया के सामने नहीं ला सकी है। पता नहीं क्या मजबूरियाँ हैं इस्लामाबाद की इस हवाले से। बहरहाल, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर जनाब सरफराज मुफ्ती साहब से बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़िम, वेलकम बैक। अब बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर, बलूचिस्तान के वजीर दाखला जनाब सरफराज मुफ्ती साहब मेरे साथ हैं वाया सेटेलाइट। और सरफराज मुफ्ती साहब की हुकूमत जो है वो मसलसल दहशतगर्दी के वाक़े के बाद, कोयटा की दहशतगर्दी के वाक़े के बाद, मसलसल ये कह रही है कि हिंदुस्तान NDS और रॉ जो हैं वो इस किस्म के वाक़ात के दहशतगर्दी के पीछे हैं। मुफ्ती साहब, क्या ऐसे सबूत हैं आपकी हुकूमत के पास? आप माशाल्लाह 3 बरस से बलूचिस्तान के एक इंतहाई मुश्किल सूबे के आप जो हैं होम मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला है, आप पे खुद 1 से ज़्यादा दफ़ा कातलाना हमले हो चुके हैं। क्या ऐसे सबूत आपको शवाहद नजर आते हैं कि आप इतने एहतमाद से, आप भी और आपके चीफ मिनिस्टर के कहते हैं कि हिंदुस्तान NDS रॉ और बैरूनी ममालिक इसमें इन्वॉल्व है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, हमारा एक मौका है फ्रॉम द डे फर्स्ट कि इंडियंस जो हैं वो सबसे पहले हम कहा करते थे, उस वक्त तो लोग मानना नहीं करते थे। अब आप देख लें, जो मोदी साहब की रीसेंट स्टेटमेंट्स हैं उसको देख लें, जो यादव यहाँ पे जो सर्विंग ऑफिसर था रॉ का वो यहाँ से पकड़ा गया, तो मज़ीद कौन से सबूत हैं जो चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को या हमारी कौम को? अलावा जी, देखें डॉक्टर साहब, 2 किस्म के प्रूफ्स होते हैं, एक होते हैं सरकमस्टांशियल एविडेंसेज और एक होते हैं सॉलिड एविडेंसेज। जो सरकमस्टांशियल एविडेंसेज हैं वो तो डिस्कस किए जा सकते हैं कि अफगान पासपोर्ट पर बरहमदाग मुफ्ती की ट्रैवलिंग, अफगानिस्तान में सारे फरारी कैंप्स, उनके ट्रेनिंग कैंप्स, उनको फंड करना, उनको पैसे देना, और फिर बरहमदाग के बच्चे की दिल्ली के एक हॉस्पिटल में वलादत, ये सारे वो सरकमस्टांशियल एविडेंसेज हैं। उसमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस भी हैं, उसमें
जो फोटोग्राफिक एविडेंसेज है वो भी मौजूद हैं और कुछ सॉलिड एविडेंसेज हैं। जाहिर है उनका प्लेटफॉर्म ये नहीं है डॉक्टर साहब जिस पे मैं और आप बैठे हैं, वो भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। अच्छा, लेकिन मुफ्ती साहब, अब देखिए ना, जब हम बैरूनी कॉरस्पॉन्डेंट जो हैं बैरूनी ममालिक के या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं या जो सफारतकार हैं उनसे बात करते हैं इस्लामाबाद में, वो कहते हैं कि जी ये तो जमातुल अहरार जो है उसने करवाया है, बिकॉज जमातुल अहरार जो है उसने वुकला पे हमला किया है, वो लॉ का जो प्रोफेशन है उसके खिलाफ हैं, वुकला लिबरल हैं, वुकला ह्यूमन राइट की बात करते हैं, और ये जमातुल अहरार ने कराया है और ये वही जमात है जिसने लाहौर में भी हमला किया। देखिए, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि जमातुल अहरार ने इससे पहले 3 अटैक्स किए हैं, एक इस्लामाबाद कचहरी में किया और एक केपी में चारसदा में गालिबन किया और तीसरा जो है वो इसका अगर कहते हैं क्वेटा का वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने किया। लेकिन हमारे पास भी एक बैकग्राउंड है, हमारे पास ये बैकग्राउंड है कि क्वेटा में से पहले इस 8 अगस्त के सानहे से पहले 3 अटैक्स हुए सुसाइडल, वो तीनों अटैक्स एनडीएस और रॉ ने प्लान किए, सुसाइडल जो है वो टीटीपी ने प्रोवाइड किया और यहाँ पर एग्जीक्यूट उसको लश्कर झंगवी ने किया। तो कहने का मतलब है कि टीटीपी, आपको पता है कि आज फजलुल्लाह कहाँ पर बैठा हुआ है और किसकी सपोर्ट में बैठा हुआ है, सिमिलरली जो लश्कर झंगवी वाले हैं उनको कौन सपोर्ट करता है, ये सब इंडियन रॉ और एनडीएस को तो मैं इतना कहता हूँ कि एनडीएस तो रॉ का एक सेटेलाइट है, एनडीएस और रॉ का नेक्सस है पाकिस्तान को तोड़ने का और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का। तो हमारे पास भी एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को सामने रख के हम ये कहते हैं, क्योंकि इस पर तो हम अभी साने 8 अगस्त को हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपको पता है हमारे कॉमिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं, हम आईवीओस कर रहे हैं, हम उसके तह तक ज़रूर पहुंचेंगे और कौम को आगाह भी करेंगे। और मैं आपकी तौसत से कौम को एक बार फिर बता दूं, जब बार बार हम ये कहते हैं ना कि हम अपने गम को, अपने गुस्से को, अपने इस अजीम साने को एक ताकत में बदलेंगे, उस ताकत का मतलब यही है कि हमें एक नया रिजॉल्व मिला है। जब हमारी सोसाइटी की क्रीम को टारगेट किया गया है तो उसने हमें हिट किया है, उसने हमें रूहानी तौर पे हिट किया है, उसने हमें जिस्मानी तौर पे हिट किया है, तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे और वो रिस्पॉन्ड तभी मुमकिन है कि जब हम तय तक पहुँचेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि हम तय तक इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। बट मुफ्ती साहब, देखिए, लोगों के जहन में सवाल आता है ना, पूरी दुनिया के सामने हमें जवाब देना है, भारत का मीडिया भी हमें देखता है, जब आप एक ही सांस में कहते हैं कि इसमें टीटीपी के ग्रुप्स भी शामिल हैं, जमातुल अहरार ने फलां चीज़ की है, और फिर साथ ही आप कहते हैं कि लश्कर झंगवी ने उसको एक्सिक्यूट किया, लेकिन फिर साथ ही आप कहते हैं कि एनडीएस और रॉ भी हैं, तो आखिर एनडीएस और रॉ का इन तमाम ग्रुप्स के आप क्या कह रहे हैं कि एनडीएस और रॉ जो हैं उनका हाथ आपको कैसे नज़र आ रहा है लश्कर झंगवी के पीछे? देखिए, जितने भी ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रॉ फंडेड लश्कर है, मैं इनको अक्सर रॉ फंडेड लश्कर कहता हूं, चाहे वो बलोच सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट के साथ ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो ये मजहब के नाम पर वायलेंस कर रहे हैं, जिसमें टीटीपी है, जिसमें लश्कर झंगवी है या जमातुल अहरार है। जमातुल अहरार कौन है? वही है जो टीटीपी से स्प्लिट होकर गए हैं। हसन उल्लाह एहसान कौन है? वो टीटीपी से है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं, उनको जो पैटर्नेज हासिल है, वो जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान में लड़ी जा रही है उसका पैटर्नेज जो है वो इंडियन रॉ के पास है, और इंडियन रॉ इनको पैटर्नेज देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको इक्विप्ट करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं इसीलिए हम कहते हैं कि रॉक इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अब इसमें ये भी देखें कि कुलभाषण यादव जो है, जो यादव उसका नाम है, उसको जब मार्च में लाया गया दुनिया के सामने, उसके बाद तो एक तवक्को थी ना कि उसके मजीद इंकशाफात आएंगे कि उसने क्या क्या वाकया जो हैं उसको सुपरवाइज़ किया या फाइनेंस किया या कहाँ कहाँ उसके डंडे मिलते थे, आखिर वो बलूचिस्तान की सरजमीन से गिरफ्तार हुआ। आपकी हुकूमत ने अब तक वफाक से सेंटर से ये इशू नहीं उठाया कि कुलभाषण की जो क्या क्या इफेक्ट सामने आए हैं उसको दुनिया के सामने लाना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं बता दूँ, जिस तरह आपने खुद कहा, हमारे सीएम साहब बड़ी खूबसूरत एक बात कहते हैं, आई वॉन्ट टू रिपीट दैट, कि हमने यादव को यहां से पकड़ा, सर्विंग रॉ ऑफिसर, अभी मोदी को तो पकड़ने से रहे कि अभी कोई सबूत आपको दें। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि यादव के बाद बहुत सारे जो उनके ग्रुप्स थे, ये ग्रुपों से रिलेटेड थे, बहुत सारे वो पूरे ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज किया गया है, उसकी तफसीलात देनी चाहिए कौम को और कब दी जाएंगी, जाहिर है वो अप्रोप्रिएट लेवल पे अप्रोप्रिएट लोग जो हैं वो इसका फैसला करेंगे। नहीं, देखिए ना मुफ्ती साहब, आप इस सूबे के वजीर दाखिला हैं, पिछले 3 साल से हैं, ट्रबल्ड हैं, आप पे खुद कातलाना हमले हो चुके हैं, आप पूरी कौम को, दुनिया को जवाब दे हैं। कुलभाषण ने जो इंटरकनेक्टेड सब्सटेंटिव इंफॉर्मेशन दी है, जिसको कानून की जुबान में कोरैबोरेटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी उसकी इंफॉर्मेशन पर और लोग पकड़े गए हैं या कलाकमा हुआ है या और लोग की इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो इंफॉर्मेशन देखिए ना, अमरीका में, बरतानिया में, इवन हिंदुस्तान जो है वो इस किस्म की इंफॉर्मेशन लाते हैं और दुनिया को यकीन दिलाते हैं कि क्या हुआ। हम ये इंफॉर्मेशन ला ही नहीं रहे सामने और आप भी कुछ नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, देखें, बात यह है कि अब क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का भी ये सब्जेक्ट है
और ज़ाहिर है हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके ही इसको डिस्कशन में लेकर आएंगे। जो मेरा डोमेन नहीं होता है उस पर मैं अवॉइड करता हूँ बात करने के लिए। लेकिन मुफ्ती साहब यहाँ एक और भी चीज़ हो रही है कि बलूचिस्तान में जुलूस निकल रहे हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो बहुत ही आग भगोला है इस पूरी चीज़ पे, लेकिन वफाक जो है वो बड़ा कूल प्ले कर रहा है। वहाँ से ऐसे लग रहा है कि हिंदुस्तान से कोई शिकायत नहीं है, वहाँ बड़े अच्छे हंकी डोरी किस्म के ताल्लुक चल रहे हैं हिंदुस्तान से, जबकि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो स्टेटमेंट दो दफ़ा दे चुके हैं बलूचिस्तान का नाम लेके। बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे में भी उसका नाम लिया है। तो वफाक को क्या मतलब बलूचिस्तान से दिलचस्पी नहीं है, या वफाक के लिए हिंदुस्तान ज़्यादा अजीज़ है, कुछ समझ नहीं आ रही? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू का बड़ा कदर करता हूं। जहां तक बलूचिस्तान के लोगों का ताल्लुक है, बलूचिस्तान के लोग अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने मुमलिकत खुदादाद से हमें नवाजा है। और दूसरा, बलूचिस्तान के तूल अर्ज में, उसके कोने कोने में जिस तरह एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है, वो मोदी साहब की बातों का जवाब है। और जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर कॉज को जिस तरह रेज़ किया है, और शायद कश्मीर से ही टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इंडिया इस तरह की बातें कर रहा है, और सरताज अजीज़ साहब का स्टेटमेंट कल का हमारे सामने रिकॉर्ड पर मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्ड है वो डायरेक्टली हम क्योंकि बलूचिस्तान के बारे में बात की गई और इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि बलोच लोग जो हैं वो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से नाला हैं, तो हम उस मैसेज का जवाब मैं समझता हूँ कि हुकूमत बलूचिस्तान ने भी दिया है और इंडिविजुअली बलूचिस्तान के लोगों ने भी बलूचिस्तान के कोने कोने से दिया है। अब आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं सनाउल्ला ज़हरी साहब जो हैं बलूचिस्तान के, आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं हुकूमत के, उन्होंने दो दिन पहले ये कहा है कि बलूचिस्तान में और कश्मीर की स्ट्रगल में कोई मुमासलत नहीं है, बलूचिस्तान में जो भी मसला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या वजूहत हैं कि आप ये कहते हैं कि बलूचिस्तान को कश्मीर से तशबी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो दुनिया की कहती है कि बलूचिस्तान में भी वायलेंस हो रही है, यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, यहाँ भी एक इंसर्जेंसी चल रही है, कश्मीर में भी इंसर्जेंसी चल रही है, फ़र्क क्या है? हाँ देखिए डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा फ़र्क है। वो तकसीम का अधूरा एजेंडा है कश्मीर, और यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन मौजूद हैं, वहाँ पर कश्मीरी सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कश्मीरी ये बात कर रहे हैं कि हमें, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कश्मीर में, या आपने उस वक्त जब पार्टीशन हो रही थी, या आप पाकिस्तान के साथ चले जाएं या आप हिंदुस्तान के साथ रह जाएं। कश्मीर के लोगों ने फैसला सुना दिया कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है, और जब एक बुरहान वानी वहाँ पर शहीद होता है और उसके बाद से कितने जोक दरजोक कश्मीरी जो हैं वो शहादत हासिल कर रहे हैं, और 40 दिन से कर्फ्यू है। बलूचिस्तान में कभी एक दिन भी कर्फ्यू लगा है? बलूचिस्तान को आप कश्मीर से कैसे मिला रहे हैं कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि कश्मीर जो है वो कभी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा है। कश्मीर जो है वो कश्मीरी लोगों की मंशा के मुताबिक उसका फैसला होना चाहिए। देखिए अगर मुझसे मैं अगर जो बैन अलावामी क्रिटिसिज्म है या हिंदुस्तान का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको लेकर दुनिया चलती है, वो कहते हैं बलूचिस्तान में भी मिसिंग पर्सन की ग्रेव निकली हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं बहुत बड़ी तादाद में जो आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं, बलोच इंसर्जेंट्स या वहाँ के जो रेबल लीडर्स हैं वो दुनिया भर में बैठे हैं, स्विट्ज़रलैंड में बैठे हैं, बरतानिया में बैठे हैं, तो वही बात हो गई जो कश्मीर वाली। देखिए डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान में 1% से ज़्यादा लोग नहीं हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो रॉ फंडेड लश्कर का जिक्र कर रहे हैं, और उसकी भी बहुत सारी रीजंस हैं, वो कि नज़रियाती लोग नहीं हैं। ये कैसे कहते हैं आप इतना, ये आप कहते हैं कि 1% इतना छोटा सा आपने फिगर निकाला है, ये कैसे आप जी? मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आई एम द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ दिस प्रोविंस प्लस आई एम सन ऑफ सॉयल। मैं यहाँ, हमारी ट्राइबल सोसाइटी है, हम सबको पता है, हम एक दूसरे को जानते हैं, हमें पता है कि कौन से कबीले में कितने लोग जो हैं वो दहशतगर्दी की तरफ मायल हैं और कितने जो हैं वो में। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बुक्टी ट्राइब की अगर मिसाल दूँ, तो हम 6 क्लैंस हैं, 6 के 6 के जो एल्डर हैं, जो वडेरे हैं, जो 6 के चीफ हैं, वो सब के सब आज भी डेरा बुक्टी में बैठे हुए हैं, फिर उनके जो सब क्लैंस हैं उनके बड़े। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें इस तरह बलूचिस्तान हमारे फिंगर टिप्स पर, हमें सब पता है। नंबर 2, वायलेंस की अगर आप बात करते हैं, सर ये तो चले बुक्ती ट्राइब की बात होगी, मारी की क्या सूरत हाल है? मारी ट्राइब सेम इज द केस विद मारी। मारी के जो नवाब हैं वो आज PMLN के, जो तस्वर किया जाता है, जो कि नहीं है, फेडरेशन की जमात है, मैं खुद उस जमात का हिस्सा हूं, लेकिन फॉर डिबेट हम ये कह देते हैं कि वो पंजाब डोमिनेटेड एक पार्टी है, फॉर द डिबेट मैं ये कह रहा हूँ, तो वो उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो खैरबश मरी के का बड़ा बेटा है, मरियों का नवाब है। इसी तरह जो सेनेटर हैं मीर मोहम्मद खान मरी, वो जो बिजरानी ट्राइब है, मीर आजार बिजरानी है, सारे ट्राइब्स तो वहाँ पर हैं। लोहारानी ट्राइब के जो बड़े हैं वो सारे के सारे कोलू में हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी इससे ज़्यादा, और मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं अब भी अपने इस दावे पर कायम हूँ कि 1% से ज़्यादा। मुफ्ती साहब, ये जो बरहमदा मुफ्ती साहब ने व्हाट्सअप के जरिए एक इंटरव्यू दिया है किसी इंडियन टेलीविजन चैनल को, जिसको पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बड़ा अंग्रेजी में उन्होंने शुक्रिया अदा किया नरेंद्र मोदी साहब
का और वहां से हरप्यार मरी बैठे हुए हैं, फिर सेनेटर सनाउल्ला है वो यूएन में काम करते हैं लेकिन वहां से भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो इनको कैसे हम एक्सप्लेन करें, दुनिया को क्या समझाएं? देखिए जहां तक बरामदर की बात है, क्योंकि मेरी उसके साथ दुश्मनी भी है और मैं समझता था कि शायद कोई बावकार दुश्मन है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बड़ा बेवकार निकला वो। और इस तरह इंडियन यानी ये बलोच जो जितने लोग कत्ल करवाए गए, जितने पंजाबीज को मारा गया, टीचर्स डॉक्टर्स को मारा गया, डॉक्टर साहब को सिर्फ इसलिए मारा गया कि शाहरुख खान का रोल मिल जाए या उसके दादा का रोल अमिताभ बच्चन कर ले, तो ये बड़ी हैरानकुन बातें हैं। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये अपनी सपोर्ट खो चुके हैं, यहाँ पर इनकी कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, कोई ट्राइबल स्पेस इनको नहीं है, मां सवाए चंद ऐसे गुंडे जो पहले भी कोई शरीफ लोग नहीं थे, वो पहले भी डकैतियाँ डालते थे, चोरियाँ करते थे, आज वो उनको तंजीम के नाम पर इकट्ठा करके, उन गुंडों को इकट्ठा करके कभी इधर कोई टस्टोस कर लिया, कभी उधर कोई पाइपलाइन फाड़ दी, कभी उधर कोई मासूम शहरी को शहीद कर दिया। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी कोई इतनी बड़ी सपोर्ट है कि उनको हम यहाँ बैठ कर डिस्कस करें। बलूचिस्तान की हुकूमत में कौन लोग हैं जो कई सालों से इक्तदार में हैं, जो कई सालों से अपनी सीटें लेकर आ रहे हैं, जो बड़े बड़े ट्राइब्स हैं उनके सरदार हैं, उनके मशरान हैं। तो बलूचिस्तान में अभी जिस तरह आपने सना बलोच साहब की बात की, तो मैं समझता हूँ कि सना बलोच साहब क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो इलेक्शन के दिनों में 7 दिन के लिए बलूचिस्तान तशरीफ लाए थे और इलेक्शन हारने के बाद दोबारा चले गए, तो अब ये वहाँ से बैठ के स्टेटमेंट्स देना, अगर उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत करनी है तो जिस तरह वो इलेक्शन के दिनों में यहाँ हाजिर हुए थे, तो उनको उनसे मैं गुजारिश करता हूँ आपके तौसत से कि आप भी यहाँ पर आए। चले मुझे एक आखिरी मुझे ये सवाल बता दें कि महमूद खान अचकज़ई तो आपकी हुकूमत के कोएलिशन पार्टनर हैं, उन्होंने भी बहुत ही अजीब गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी हैं क्वेटा के दहशतगर्दी के बाद। देखिए मैं ये समझता हूँ कि महमूद खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया मैं उसको कंडेम करता हूँ, और हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो दहशतगर्दी की इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी सख्त जंग लड़ रहे हैं, ऐसे में हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेज को सपोर्ट करना है, ऐसे में हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद करनी है। बावजूद इसके कि खान साहब के साथ हमारे बड़े दिलाना ताल्लुकात हैं, मेरे वालिद साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उनकी ये जो स्टेटमेंट है मैं उसे एग्री नहीं करता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज बुख्ती, बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर। वहाँ की सूरत हाल जो है जिसमें हिंदुस्तान की मुदाखलत जो है वो साफ यानी नज़र आती है कि हिंदुस्तान की मुदाखलत के सत्तक है, दुनिया फिर भी और हमारे लिबरल उसे फिर भी मानने को तैयार नहीं है, उसे एक्सप्लेन कर रहे थे सरफराज बुख्ती साहब। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू के साथ। अगर किसी बिजनेसमैन का बेटा ये आके कहता कि मेरी 6 अरब की अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 6 अरब की प्रॉपर्टी है मेफेयर मिले लंदन में अल्हम्दुलिल्लाह, उसको नैब ने भी पकड़ा होना था, उसको FBI ने भी पकड़ा होना था, उसको FIA ने भी केस उस पर चलाया होना था। पैनामा लीक्स एक घंटी है जो नवाज लीग के गले में बंधी हुई है और वो टन 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 करती रहेगी। नाज़रीन वेलकम बैक। एतज़ाज़ एहसन साहब के तारीखी जुमले तो आपने सुने, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब असद उमर साहब मेरे साथ हैं। असद उमर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। असद उमर साहब, एक आम तासर है कि एहतसाब रैली जो है वो कोई कामयाब चीज़ नहीं हो सकी तहरीक इंसाफ के लिए, लोग बहुत थोड़े थे, 4-5 हज़ार लोग इस्लामाबाद में थे, उसमें से भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की थी, और आप सिटिंग MNA हैं इस्लामाबाद के, आप लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सके। जी पहली बात तो मैं जो हूँ आपको शायद नहीं पता, मेरे 3 हफ्ते से बैक इंजरी हुई थी तो मैं तो था ही नहीं वहाँ पर, और 3 हफ्ते से मैं आउट ऑफ एक्शन था, मैं तो अभी वापस आया हूँ। लेकिन जो आखिरी दफ़ा इस्लामाबाद में हमने एक जलसा किया था आज से सिर्फ 2-2.5 महीने पहले की बात है, तो उसके अंदर इतने लोग इस्लामाबाद से निकले थे कि हमारे पास जगह ख़त्म हो गई थी अगर आपको याद हो तो। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की, इमरान खान के फॉलोअर्स की ना कमी थी ना कभी, ना कोई कमी है अभी। मैं वहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं था तो इसलिए मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता कि वहाँ पर क्या सिचुएशन थी, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये कोई जलसा नहीं था, ये रैली थी। रैली में मुख्तलिफ औकात पर लोग ज्वाइन करते रहते हैं और फिर उसके बाद वो वापस चले जाते हैं, तो कभी कोई एक जगह ऐसे नहीं होती जहां तमाम लोग जो हैं, जो शुरका जो हैं वो सब मौजूद हों। नहीं लेकिन लेकिन असद उमर साहब, ये तो जो है जिम्मेदारी तो आपकी बनती थी ना MNA की हैसियत से कि आप पब्लिक को मोबिलाइज करते, जाहिर है एक एहतसाब रैली की इतनी बात की गई है, अगर आप वहाँ नहीं भी थे तो कोई ऐसी मशीनरी या मैकेनिज्म था ही नहीं आप लोगों का।
सर वहाँ पे तो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप है, सेंट्रल हेडक्वार्टर्स है, वो तरीके इंसाफ की जो इस्लामाबाद की मोबिलाइजेशन है वो मेरी की भी नहीं है, मैं तो उसका सिर्फ बेनिफिशरी हूँ। वहाँ पर सैफुल्ला नियाजी साहब हैं, आमिर मुगल, अली अवान, जिन्होंने पूरी इस्लामाबाद की बुनियाद रखी, टीम बनाई, और असल लोग तो मोबिलाइज करने वाले वो हैं, मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बेनिफिशरी हूँ उसका, असल काम तो वो करते हैं। अच्छा, आपके जो मुखालफीन हैं, जो नून के हमारे चाहने वाले हैं, वो ये कहते हैं पीएमएल नून के लोग के एहतसाब रैली आप लोगों ने निकाली, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब की सूरत हाल ये है कि वहाँ जो एहतसाब ब्यूरो और मैकेनिज्म बनाया था, वहाँ उसके चीफ के चले जाने के बाद से नया चीफ तक तो आप मुकर्रर नहीं कर सके, वो डिसफंक्शनल है। जी, उसकी वजह यह बनी कि क्योंकि उसमें कुछ एहतसाब कानून के अंदर तब्दीली भी की गई थी, जिस पे लोगों को खदशात भी थे और बहुत उसके ऊपर मीडिया के अंदर बात भी की गई थी, तो इमरान खान साहब ने उसके बाद, अगर आपको याद हो, तो ख़ुद ज़ाती तौर पे जिम्मेदारी ली थी, कानून को दोबारा से एक दफ़ा देखा गया और जो ओरिजिनल शक्ल थी उससे भी ज़्यादा उसको बेहतर करने की कोशिश की गई, तो वो एहतसाब का कानून जो है वो पास कर दिया गया है और उसके तहत नए जो तरमीम शुदा कानून है वो पास कर दिया गया है और दोबारा से उसके ऊपर काम शुरू हो गया। लेकिन जो एहतसाब का इदारा है वो काम करता रहा है सारे पीरियड के अंदर, क्योंकि सिर्फ चीफ तो वहाँ नहीं थे, आई एम श्योर जल्द चीफ भी वहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, अब इस वक्त आपकी सियासत कहाँ खड़ी है? देखिए, आप लोग इलेक्शन कमीशन के सामने दो रेफरेंसेस लेकर गए हैं, एक लेकर गए हैं कैप्टन सफदर के हवाले से, एक नवाज शरीफ साहब के हवाले से, लेकिन पीएमएलएन के जो वकला है, उनकी जो पार्टी है, उनका ये कहना है कि चूंकि नवाज शरीफ साहब का तो नाम ही नहीं है ज़ाती तौर पर पैनामा के एसेट्स पे उसके फाइल में, और उनके बच्चे 18 बरस से ज़्यादा उम्र के हैं, वो बालग हैं, और उनके बच्चों के एसेट्स को डिक्लेयर करना 2013 या 2008 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब पे वाजिब नहीं था, तो तकनीकी एतबार से जो रेफरेंस आप लेकर गए हैं तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन कमीशन में, वो नॉकआउट हो जाएगा, ये एक और नाकामी होगी। सर, पहली बात तो कि इलेक्शन कमीशन ने उस रेफरेंस को नॉकआउट किया नहीं, जैसे आपने इस्तेमाल की, उन्होंने तो नोटिस इशू कर दिए हैं, पटिशंस जो लेके गए हैं उनके तहत, और उन्होंने जाहिर है कोई बादियों नज़र में उनको उसके अंदर कोई केस नज़र आया है, इसलिए उन्होंने नोटिसेस इशू किए हैं। और जहाँ तक उसकी सब्सटेंस की बात है, तो हमारे ख्याल के अंदर तो उसके अंदर बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं, खुद अब तो ये भी कागजात सामने आ गए हैं कि शैमरॉक जो ऑफशोर कंपनी है उसके बेनिफिशियल ओनर भी हैं। उसके अलावा खुद उन्होंने 2011 के अंदर जो अपने रिटर्न्स फाइल किए, तो नवाज शरीफ साहब ने खुद ये ऐलान उसके अंदर किया कि उनकी जो साहिबजादी हैं मरियम, वो उनकी डिपेंडेंट हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान का इलेक्शन का कानून ये कहता है कि आपने अपने अपने अहलिया के और अपने डिपेंडेंट बच्चों के गोशवारे के अंदर असासे जाहिर करने हैं, और ख़ुद अब तो रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, टीवी प्रोग्राम्स कर करके बताया जा चुका है कि हमने 2006-2007 में ये असासे खरीदे थे, लंदन की प्रॉपर्टीज़, हमारे ख्याल में शवाहिद बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री मौजूद हैं कि ये 1993-94 में खरीदे गए। लेकिन अगर हम 2006-07 की भी बात मान लें, तो वो कंपनीज, वो प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनरशिप ओनर नज़र आ रही हैं, उनका जिक्र कहीं भी मियाँ साहब के रिटर्न्स के अंदर नहीं है। तो एक से ज़्यादा अकाउंट्स के ऊपर मेरे ख्याल में जो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन जो है, डीसीटिंग बनती है। तो आपको ये उम्मीद है कि 6 सितंबर को नून कोई वाज़े जवाब इसका नहीं ला सकेगी, यानी जो मैंने कहा है वो जवाब नहीं मान सकेगा ईसीपी, यही आपको है तासुर? जी, हमारे पास क्या, मीडिया के पास यकीन है कि आपके पास भी उनकी कॉपीज़ मौजूद होंगी, दस्तावेजी सबूत जो मौजूद हैं, उसका पता नहीं क्या जवाब लेकर आएंगे। जो नज़र आता है, जो दस्तावेजात मौजूद हैं हमारे पास भी, मीडिया के पास, सबके पास मौजूद हैं, उसमें तो जो बातें मैं कह रहा हूँ वो ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रही हैं वहाँ। अच्छा असदुल्लाह साहब, ये अब एक तासुर बड़ा गहरा होता चला जा रहा है, आई एम श्योर कि आप भी इससे वाकिफ होंगे, कि लोगों को लग रहा है कि अब तो यानी आपने जितनी कैंपेन्स रन की, रैलीज़ की, जितनी दफ़ा चैलेंज किया नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, पीएमएलएन को, उसमें आप लोग नाकाम रहे, और अब आप लोगों की नाकामियों की वजह से लोगों को ये लगने लग गया है कि पीएमएलएन, नवाज शरीफ साहब और उनका ख़ानदान जो है वो तहद क़यामत पाकिस्तान पर हुकूमत करेंगे, और ये आपकी नाकामियों की वजह से ये तासुर पैदा हो गया। सर, ये हो सकता है इस वजह से तासुर पैदा हो सकता है इस वजह से तासुर पैदा हो गया हो कि वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने आप को वज़ीर आज़म नहीं समझते, मुगले आज़म जो समझते हैं, उनका तर्ज़ हुक्मरानी भी जो है वो एक मुगलिया सल्तनत वाला है, वो एक जमहूरी हुकूमत वाला नहीं है, तो लोग शायद ये अब सोचना शुरू कर दिया उन्होंने कि क्योंकि एक मुग़ल दौरे हुकूमत चल रहा है, तो इसलिए जब बादशाह सलामत जो हैं वो अपनी गद्दी छोड़ेंगे तो अपने शायद किसी बच्चे के पास छोड़ के चले जाएँ। उम्मीद ये ज़रूर हो सकती है मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश, और उस ख्वाहिश पे कोई कदगन भी नहीं होनी चाहिए कि वो आइंदा इलेक्शन भी जीतें,
लेकिन आपको पता है और मुझे पता है कि पाकिस्तान की सियासत में 18 महीने बहुत बड़ा अरसा होता है और बाई इलेक्शन जो हैं वो कोई उससे कोई आप ये इंडिया नहीं ले सकते कि आगे इलेक्शन जनरल इलेक्शन के अंदर क्या होने जा रहा है। और इसके तहत ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की अगर आप तारीख देख लें, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की तारीख देख लें, तो वहाँ पर भी यही होता है, जो वफाकी हुकूमत सेटिंग होती है वही वहाँ पर भी इलेक्शन जीत जाती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मकबूल हुकूमत नहीं थी, वो आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन जीत गए थे और वो गिलगित बल्तिस्तान में भी जीत गए थे। और जिस वक्त वक्त आया जनरल इलेक्शन का तो आपने देख लिया उनकी मकबूलियत का क्या हाल था। नहीं तो आपकी जो जमात है उसकी इस वक्त जो सियासत का महवर है वो है क्या, मतलब कहाँ ये जमात जा रही है, तहरीक इंसाफ कहाँ लेके जा रही है पाकिस्तानी सियासत को, अपोजिशन को इस मौके पे? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। इसकी दो बुनियादी पहलू हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासत का रुख इस वक्त क्या है और वो करना क्या, पाकिस्तान को क्या कहना चाहते हैं। पहला है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त हुकूमत चल रही है उसमें जो बात हर टेलीविजन प्रोग्राम में शाम को बैठ के की जाती है, कोई एनालिस्ट आप पाकिस्तान का बुला लें तो वो कहेगा कि पाकिस्तान के इदारे खोखले हो गए हैं, पाकिस्तान के अंदर जब तक इदारे दोबारा मजबूत नहीं होंगे, जिस वक्त तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जिस वक्त तक आइन की बालादस्ती नहीं होगी, पाकिस्तान जो है वो वापस तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। ये खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ दर्श नहीं दिया जा रहा, करके दिखाया जा रहा है। आप कवानीन देख लीजिए पाकिस्तान की तारीख के अंदर, इतने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के कानून सिर्फ इस माह के अंदर अगर आप देख लें जो कानून आ रहे हैं आ चुके हैं, ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान में कि तरजीह जो बनाई गई है वो इदारों को मजबूत करना है और कानून की हुक्मरानी करना है, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट के चुंगल से इदारों को आज़ाद करना है और उनको आवाम के सामने जवाबदेह करना है। और जाहिर है उसके ज़रिए जो है समरात भी नज़र आने शुरू हो गए हैं, तालीम का मैदान हो, सेहत का मैदान हो, आपका पुलिस का निज़ाम हो, पटवारी का निज़ाम हो, आपको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को नज़र आना शुरू हो गया कि उनकी ज़िंदगी उस तरीके से किस तरीके से बेहतर हो रही है। दूसरा जो है वो पाकिस्तान को जो करप्शन का नासूर और ये गैर जमहूरी तर्ज जमहूरियत जो पाकिस्तान में चल रही है जहाँ ख़ानदानों की हुक्मरानी है, शख्स की हुक्मरानी है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, जद्दोजहद करना और उसको तब्दील करवाना, ये दूसरा एक अहम हिस्सा है तहरीक इंसाफ की सियासत का और वो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है तहरीक एहतसाब की सूरत के अंदर, वो असम्बलीज़ के अंदर भी जो हम चीज़ें लेकर जाते हैं वहाँ पर भी आपको नज़र आता है और मीडिया के अंदर भी उसकी बात होती है और सड़कों पर भी नज़र आता है। मैं सिर्फ आखिरी चीज़ के अंदर ये कह दूँ, बहुत सारे लोगों ने हमसे बोला कि ये फिर आप सड़कों में चले गए क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर साहब पाकिस्तान का मीडिया उठा के देख लीजिए, रमज़ान का महीना और उसके बाद जो एक माह गुजरा था उस दो महीने के अंदर तहरीक सड़कों पर नहीं थी, कितने टीवी प्रोग्राम हो रहे थे, कितने टिकर चल रहे थे, कितने हकूमती इनिशिएटिव्स आ रहे थे इस करप्शन के नासूर से डील करने के लिए। इमरान खान वापस आवाम के साथ सड़कों के ऊपर आए हैं और दो हफ्ते के अंदर दोबारा से बातचीत पनामा के ऊपर, हुकूमत को भी ख्याल आना शुरू हो गया है, उनको जहांगीर तरीन की और इमरान खान की प्रॉपर्टीज अब याद आई हैं, भाई तुम हुकूमत थे तुम्हारे ख्याल में अगर कोई गलत काम हो रहा था तो करते पहले एकदम। तो ये पूरी जो डिबेट है, ये नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर जो सेट हो रहा है कि करप्शन के खिलाफ एक जिहाद करना है, वो तरीके इंसाफ और इमरान खान सेट कर रहे हैं। असद उमर साहब आपको अभी भी यकीन है कि पनामा फाइल्स को पूरे स्कैंडल में कोई जान रह गई? सर बिल्कुल, ये अगर किसी को गलत फहमी है तो उनको अपने जहन से दूर कर देनी चाहिए कि ये पनामा, क्योंकि रमज़ान आ गया था और उसके बाद कुछ अरसा हम चाहते थे कि नेक नियति के साथ एक मौका मिले कि ये TORs की जो कमेटी मिली है उसके ज़रिए पार्लियामेंट के ज़रिए इसका एक हल निकाला जाए, वो हल सब ने देख लिया, नहीं निकला इसलिए निकला कि नेक नियति थी नहीं, वो कोई शफाफ एहतसाब करने को तैयार है ही नहीं। लेकिन ये भूल जाएँ कि आप ये किस्सा पारीना हो गया, अगर किसी को शक है तो सिर्फ पीछे जो धांधली के ऊपर बात की थी इमरान खान ने वो पहली दफ़ा मई 2013 के अंदर बात की थी और उसके बाद 13 माह के बाद वो सड़कों के ऊपर आए थे और आपको पता है कि सारे पाकिस्तान में सवाए उस रिगिंग के और कोई बात नहीं हो रही थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमीशन भी बन गया, जुडिशियल कमीशन भी बन गया। तो ये गलतफहमी अगर किसी के जहन में तो दूर कर देंगे, पनामा का किस्सा खत्म हो चुका है। अच्छा एक आखिरी चीज़ मुझे आपको कहनी है, मतलब सवाल भी है एक गुजारिश भी है कि बहुत से लोग हमें मिलते हैं चकलाला स्कीम के मुख्तलिफ हिस्सों के, रावलपिंडी के, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीतने के बाद हमारे हलके में कभी नहीं आए, और लोग मिलते हैं वो कहते हैं असद उमर साहब भी अपने हलके में कभी नहीं आए, ये कैसी चीज़ है जिसका कुछ सदबाव आपको कर सकेंगे आप? सर ये माजरत के साथ मेरे बारे में जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं F10 में का रिहायशी हूँ
और मैं तो रहता अपने हलके में, तो जाना अपने हलके में नहीं, मेरे सिर्फ फेसबुक की टाइमलाइन उठा के देख लीजिए कि मेरी हलके के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं आपको नजर आ जाएगा मैं हलके में होता हूँ। इमरान खान साहब को भी मिलने वाले हैं थोड़ी देर में, उनको तो कम से कम ये पैगाम पहुंचा दें। इमरान खान जी, इमरान खान देखें, इमरान खान इतना मैं जरूर कहूंगा कि वो एक कौमी लीडर हैं और उनके अपने हलके वाले भी जो हैं वो समझते हैं इस बात को, लेकिन उसके बावजूद मैं खान साहब से ये ज़ाती तौर पे भी कह चुका हूँ और मैं ऑन एयर भी ये कहने को तैयार हूँ कि दो काम खान साहब को ज़रा ज़्यादा उनके लिए टाइम निकालना चाहिए। एक NH-56 में ज़रूर उनको वक्तन फवक्तन जाना चाहिए, जिस तरीके से मैं या कोई और MNA से एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा उनसे नहीं आवाम एक्सपेक्ट करते, लेकिन फिर भी जाना ज़रूर चाहिए। दूसरा, उनको पार्लियामेंट में भी आना चाहिए, वो जैसी कैसी भी है पार्लियामेंट जब इमरान खान वहाँ पर बात करते हैं तो उसका वजन होता है और पाकिस्तान के अंदर वो आवाज सुनी जाती है। उनको वहां जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, के ने माना है कि इमरान खान साहब को अपने हलके में भी जाना चाहिए और उनको पार्लियामान में भी आना चाहिए, उसका खाखिर एक वजन है। बहुत शुक्रिया नाजीन, कल फिर आपसे मुलाकात होती है, आज इतना।